अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अभी हमने बात जो करी थी इससे पहले कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो सारी बातें डिस्कस कर ली. अब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात करी आपसे कि हमें ये पता लगाना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकाले कैसे, पता कैसे चले हमें कि हर कोई बच्चा क्या है, अपने आप में इंडिविजुअल है. ठीक है, तो उसको निकालने के हम सामने से तो देख के किसी को भी बता सकते हैं कि आप इंडिविजुअल हो, किसी के शक्ल को देखकर, पहनावे को देखकर, रंग रूप को देखकर हम बता सकते हैं. अगर मेरे साथ भी कोई अभी कोई और गर्ल खड़ी हो जाए तो आप बता दोगे कि दोनों डिफरेंट है, क्यों, कलर में डिफरेंट है और शक्ल सूरत डिफरेंट है, स्किन जो हेयर्स है वो डिफरेंट है, आई कलर डिफरेंट है, बॉडी अलग है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप एक्सटर्नली बाहर से देख के किसी को जज कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल है. लेकिन अगर हम इंटरनली सोचें कि हर कोई बंदा अपने इंटेलिजेंस लेवल में कैसे डिफरेंट है, इंटरेस्ट में कैसे डिफरेंट है, एप्टीट्यूड में कैसे डिफरेंट है, एटीट्यूड में कैसे डिफरेंट है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे आप ये फाइंड आउट कर सके कि हर एक बच्चा क्या है, अपने आप में इस रूप में, इस एस्पेक्ट्स में क्या है, डिफरेंट होता है. तो वो मेथड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट है इसमें बुद्धि परीक्षण, यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट. अब आपको मैंने फर्स्ट रीज़न जो बताया था कि एक रीज़न इंटेलिजेंस लेवल भी होता है, यानी कि आईक्यू लेवल भी होता है बच्चे का, कि उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट होता है. तो आईक्यू लेवल हम कैसे टेस्ट करते हैं, आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन सी ए करंट एज इंटू 100. मतलब ये वाले फॉर्मूले से आप बच्चे का आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है. आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो आप उन 20 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि हर बच्चा क्या है, अपने आप में डिफरेंट है. आप क्या करोगे, उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करोगे. हो जो आईक्यू लेवल कैसे टेस्ट करोगे, आईक्यू लेवल आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि आपने कोई बच्चे को, आप 6th क्लास के टीचर हो, आपकी क्लास 6th क्लास की है, लेकिन आपने बच्चे के साथ किसी 8th क्लास के सम का या 7th क्लास के सम का मैथ्स का कोई टॉपिक ले लिया, वो डिस्कस किया, तो हो सकता है उसमें किसी बच्चे ने सॉल्व कर दिया हो, 20 में से 10 बच्चों ने कर दिया हो, 10 ने नहीं करा, तो आप मेंटल एज में क्या रखोगे, उसकी 7th क्लास, यानी कि 7th क्लास 7वीं क्लास में जितने का भी एज का बच्चा होता है. ठीक है, करंट एज में क्या रखोगे, उसकी करंट एज जो है, रीसेंट एज क्या है, तो वो कौन सी क्लास में है, 6th क्लास में है, तो 6th क्लास में वो कितनी एज में हो सकता है, तो उतनी एज आप उसकी रखोगे. ठीक है, फिर देन मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, देन उनको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आईक्यू लेवल मिल जाएगा. तो हर एक बच्चे का, इनकी 20 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आप इस फॉर्मूले से 20 के 20 बच्चों का क्या है, आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं कि किसी बच्चे का, जो मैंने आईक्यू लेवल की आपको पूरी शीट बताई थी इंटेलिजेंस में, कि 0 से 20 आईक्यू लेवल जड़ बुद्धि बालक होते हैं, नॉर्मल बॉर्डर लाइन इतने होते हैं, सुपीरियर जो होते हैं 120 से अबव होते हैं, 90 तक के नॉर्मल होते हैं, वो सारे बच्चे क्या हैं, आपको इस आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. सेकेंड मेथड है आपका अभिक्षमता परीक्षण, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, अभिक्षमता देखते हैं. यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया, अभिक्षमता, जिसमें से आपको क्षमता सुनाई दे रहा है, मतलब किसी काम को करने की बच्चे की कितनी क्षमता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी बच्चे से 2 किलो का कट्टा उठाने को कहा कि ये 2 किलो का सामान है, इसको उठाओ, और एक बहुत मोटा तगड़ा हेल्दी बच्चा है और एक एकदम पतला सुकड़ा सा नॉर्मल दुबला पतला बच्चा है, ठीक है, आपने उसको कहा कि इसको उठा के वहाँ से वहाँ तक रख दो, मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस तक रख दो, तो जो नॉर्मल बच्चा है उसने उठाया और फटाफट रख दिया, वो थका भी नहीं, और जो जो हेल्दी बच्चा है उसने उठाया, रखा तो, लेकिन शायद वो थक गया, हाँफने लग गया, सांस चढ़ गई उसकी ऊपर नीचे, तो क्या है, उसकी क्षमता देखी जा रही है वहाँ पे, कि सेम काम को करने के लिए एक दुबले बच्चे ने जल्दी भी किया और उसके क्या है, सांस नहीं चढ़ी, लेकिन एक मोटे बच्चे ने लेट भी किया और उसको सांस चढ़ गई.
तो वहाँ पे एक सेम काम को करने की सबकी अभिक्षमता कितनी है, सब में एनर्जी कितनी है, आप इस अकॉर्डिंग जांच सकते हैं कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। केवल हम उसको शारीरिक रूप से जज नहीं कर सकते कि ये मोटा तगड़ा है, हेल्दी है, तो ये किसी काम को उतना ही फुर्ती से कर सकता है। फुर्ती से वो बच्चा काम जल्दी कर पाएगा जो पतला दुबला होगा, जो फिट होगा। वो क्या है, उसने तो सिर्फ फैट बढ़ा रखा है, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर जान भी उतनी हो, एनर्जी भी उतनी हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड हमारा टेस्ट है उपलब्धि परीक्षण, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, अब आपको पता है आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, राइट। तो 20 स्टूडेंट्स में मान लीजिए आपने सब बच्चों को बोला कि चलो डिक्टेशन आज करते हैं हम लोग, ठीक है। आपने 10 जो वर्ड्स हैं वो डिक्टेट किए, तो हो सकता है जो फर्स्ट वाला बच्चा हो कि अभिलाषा है, अभिलाषा के 10 मार्क्स आए 20 में से, जो सोनम है उसके 5 ही मार्क्स आए, जो सीमा है उसके 3 ही मार्क्स आए, राहुल के 2 ही मार्क्स आए, किसी के 10 में से 10 आ गए, 20 में से 20 आ गए, तो वो क्या होगा, अपनी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होगा। वो कैसे डिफरेंट हुआ, उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी। कुछ बच्चों ने कैसे मिस्टेक करी, उनको प्रॉपर सुनाई नहीं दिया तो स्पेल मिस्टेक कर दी, कुछ ने प्रॉपर सुना लेकिन स्पेलिंग ठीक से डिक्टेट नहीं कर पाए, स्पेल नहीं कर पाए उसको, तो गलती कर दी। और जिस बच्चे के आउट ऑफ आए, पूरे 100 मार्क्स आए, उसने क्या किया कि उसने प्रॉपर सुना भी और ठीक से स्पेल भी किया, तो वहाँ पे क्या हो गई, सबकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या था, अचीवमेंट सबकी डिफरेंट हो गई। तो इसीलिए हम ये बात भी बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर्स हैं, अगर आपके सामने या एक हॉस्पिटल के अंदर 10 डॉक्टर्स हैं तो उन 10 के 10 डॉक्टर्स की क्वालिटी सेम होंगी, काम करने का तरीका सेम होगा, अचीवमेंट सेम होगा। आप 10 डॉक्टर्स में से या 1000 बच्चों में से कोई स्टार्टिंग के 3 बच्चे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते होंगे, सभी तो नहीं आते होंगे, पढ़ाई में तो सभी अच्छे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या एक्स्ट्रा अचीवर बच्चे हैं कि वो फर्स्ट पोजिशन पर रहे, सेकेंड पर रहे, उनको रिवॉर्ड्स मिली, अचीवमेंट्स मिली। तो इसीलिए हर बच्चे की अचीवमेंट भी आप उसी रूप में टेस्ट कर सकते हो कि हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, संवेग परीक्षण, यानी कि इमोशन टेस्ट। इमोशन टेस्ट को आप कैसे करेंगे, आप बच्चों के सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रख देंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकता है, कोई अपने इमोशंस को कितना एक्सप्रेस कर रहा है, किस वे में एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, दो ब्रदर सिस्टर ही हैं, मान लीजिए दोनों सिस्टर्स हैं और वो मम्मा के साथ अपनी मार्केट जा रही हैं, ठीक है, उनको कोई ड्रेस पसंद आ गई तो वो लोग क्या करेंगी, एक शायद हो सकता है कि मम्मा के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं मैं बाद में ले लूँगी मम्मा, लेकिन एक इतनी ज़िद्दी है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, यही चाहिए, सेम चाहिए, अभी चाहिए मुझे। तो उसने क्या किया, वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा उस सिचुएशन में, लेकिन दूसरी ने वहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। तो आप इस तरह से इमोशन टेस्ट भी ले सकते हैं कि कोई बच्चा अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना उनको एक्सप्रेस कर सकता है, कहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर किसी के अंदर एक पॉइंट को लेके ज़रूरी नहीं सेम इमोशंस हो, ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी पसंद है, शायद दूसरे बंदे को ड्राइविंग इतनी पसंद ना हो, उसको बाइक ड्राइव करनी ज़्यादा पसंद हो, आप उसके सामने गाड़ी लेकर आके खड़ी कर दो कि लो कार ड्राइव करो, वो कहे मुझे तो कार ही नहीं पसंद, मुझे तो ड्राइव नहीं करना, तो मुझे तो बाइक ड्राइव करनी है, मुझे बाइक पसंद है, ठीक है। तो उसके क्या हुआ, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस वहाँ पर है कि मुझे तो ये चीज़ पसंद है, मैं वहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमोशन टेस्ट, आप इमोशंस को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि परीक्षण। जैसे मैंने अभी कार और बाइक का एग्जांपल दिया, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है और
ऐसे नहीं, ये भी हो सकता है क्लासरूम में जो 10 बच्चे हैं कोई मैथ्स में बहुत अच्छा अचीव कर रहा हो लेकिन साइंस में बिल्कुल ज़ीरो हो. क्यों? क्योंकि उसका मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. कोई साइंस में बहुत अच्छा अचीव कर रहा होगा, कोई मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो है. तो वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग है कि मेरा लेवल इतना है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा समझ आती है तो उस अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो मैं ये चीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ. तो इसीलिए बच्चे का आप इंटरेस्ट जो है रुचि अभिरुचि परीक्षण भी स्कूल के अंदर कर सकते हो. आप बच्चों से बात कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को सब्जेक्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा. और आप कुछ डिस्कशन मेथड रख सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट दे सकते हो, या फिर बच्चों की सारी जो भी कॉपीज़ हैं उनको इवेल्युएट कर सकते हो कि उसने मैथ्स में कितना अचीव किया, साइंस में कितना किया, हिंदी में कितना किया, तो बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है. तो ये सारी चीज़ें आप अभिरुचि परीक्षण यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट हमारा जो टेस्ट है वो है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट. अब आप पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर बच्चे को कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आपको पता चले हर बच्चा एक पर्सनालिटी वाइज डिफरेंट होता है. आप ये कर सकते हो, लाइक आपको पता ही है कि हर किसी का जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होता है. क्या है, वो पहनने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, रिस्पेक्ट हो, एथिक्स हो, वैल्यूज़ हो, वो क्या है, सारी चीज़ें ऑल ओवर मिलके आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है या आपकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, तो आप उसी वे में बच्चे की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कि एक पॉइंट को लेके बच्चा क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना अच्छा हैंडल करना जानता है, कितना अच्छा हैंडल नहीं कर पाता है, बाकियों से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये तो नहीं बदतमीज़ी से बात करता है, अब्यूजिंग करता है, या किसी को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर चलते टाइम लड़खड़ाता है, बोलते टाइम हकलाता है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, ये थे आपके मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मतलब अब देखिए इसके अंदर हमने तीन जो सब टॉपिक थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वो डिस्कस किए. पहले बात करी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, देन बात करी कि कितने टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, देन बात करी कि उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण क्या थे, देन अब लास्टली हमने बात करी है कि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण थे उनका पता कैसे लगाया जाए, कि हम किन किन मेथड और टेक्निक्स के द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये अब एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं लास्ट, वो ये कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका एजुकेशन से क्या रिलेशन है, उसका लर्निंग से क्या रिलेशन है. आपको पता है, जब आपको पता होगा कि हर बच्चे के अंदर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वो अलग अलग चीज़ में पाई जाती हैं, वो पर्सनालिटी में भी अलग है, डिफरेंट वो आपके इंटरेस्ट में भी अलग हैं, एप्टीट्यूड में भी अलग हैं, इमोशनली भी अलग हैं, इंटेलिजेंस में भी अलग हैं, फिज़िक्स में भी अलग हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आपको एज अ टीचर पता होंगी तभी आप बच्चों को उस अकॉर्डिंग ही पढ़ा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसे इवैल्यूएट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को लर्निंग करवा सकते हो. लेकिन अगर मान लीजिए आपकी क्लास है और आप जाओ और आपको पता नहीं है आपके क्लास में कितने टाइप्स के बच्चे हैं, कि वो अलग अलग हैं, उनका इंटरेस्ट अलग अलग है, उनका सीखने का तरीका अलग अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है, इंटेलिजेंस लेवल अलग है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बिल्कुल मिडल है, कोई बिल्कुल स्लो लर्नर है, लेकिन आप एक ही धड़ाधड़ एक ही टेक्निक से पढ़ाए जा रहे हो तो 10 बच्चों की समझ में आ रहा है, 10 के तो बिल्कुल दिमाग से बाहर जा रहा है. तो आपको इसीलिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग करो, इतनी लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी इंटरेस्टिंग बना सको कि जो स्लो लर्नर बच्चा भी हो आपकी क्लास में, जिसका IQ लेवल बिल्कुल मिडल से भी कम हो नॉर्मल बच्चों से भी, उसके लिए भी आप एक इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग लर्निंग करवा सको ताकि वो बच्चा भी सीखने में सहयोग कर पाए. ये नहीं कि नॉर्मल और
सुपीरियर बच्चों ने सीख लिया, स्लो से आपको क्या करना, वो फेल हुए तो हो जाए, तो वो एज अ टीचर आपकी जो आपकी रूल्स और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं जज करता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी बच्चों को अपनी क्लास में अकॉर्डिंग, एक लेवल के अकॉर्डिंग लेके चले और सभी बच्चों के अंदर ये सारे जो डिफरेंशियस हैं उनको पहचानते हुए आप टीचिंग लर्निंग उनको करवाएँ, ठीक है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगी उसको एक अलग से वीडियो बना के उसको क्लैरिफाई करने की। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड जो अभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए टेक्निकल कोर्सेज चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।